बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बिलियाघाटा वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह ने स्वामी विवेकानंद को माला चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद उन्होंने गरीबों को ब्लैंकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आदम अंसारी, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद कुमार जी, अनूप चौधरी साहब, मेरे मित्र राजीव जी, सर्वोपरि तृणमूल कांग्रेस की आप सच्चे सैनिक जो हमारे मंत्री थे और 36 नंबर वार्ड के आवाम जनता, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज जन चेतना उत्सव स्वामी विवेकानंद का हम लोग जन्म दिवस पालन करते हैं। उनकी ओजस्वारी जब शिकागो में गूंज रही तो हर एक भारतीय का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। आज उनके जन्म दिवस के पालन अवसर जनमित्र ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के कहने पे हर एक ब्लॉक, हर एक वार्ड में उनके जन्मोत्सव का तृणमूल कांग्रेस पालन कर रहा है। देखिए दो चार बातें से बोलो, शक्ति भाई ने जैसे कहा, मैं शक्ति भाई के बारे में आपको बता दूं। शक्ति भाई वैसे तो तृणमूल कांग्रेस के हर वर्ग के, हर जात के, हर समुदाय के लोगों के साथ है। उस त्रिपुरा में आप लोगों ने टीवी पे हमेशा देखा होगा, त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी का सच्चा सैनिक होके हर दिन लड़ाई किया है सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी के लिए। उनको 36 नंबर वार्ड तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन व्यक्त करता है। शक्ति भाई हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। आप सबको नहीं पता होगा, मुझे कुछ भी समस्या होती थी मैं शक्ति भाई को एक बार फोन करके जरूर पूछ लिया करता था, और हमेशा उन्होंने मुझे जो दिशा निर्देश दिया है हमेशा मेरे काम आया है। मैं उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब जनरली 36 नंबर वार्ड के जो भी लोग हैं वो मैक्सिमम यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं। 2014 में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि हिंदी भाषा वाली बीजेपी के साथ है, बट आप लोगों ने मुझे जिता के, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास जताया, मेरे ऊपर विश्वास जताया, आप लोगों ने मुझे 11,000 वोटों से जिता के उनके विश्वास को दृढ़ रखा, और मैं उन्होंने जो मुझे टिकट दिया है मैं अच्छा काम करके आप लोगों के विश्वास को दृढ़ रखा। आज अचानक से शक्ति भाई को भी मैंने बुलाया, पहले से प्रारूप नहीं तैयार था संबल बांटने का। कल बारिश हुई थी, हमारे विधायक कोरेश पाल भी आए थे सुबह, उन्होंने भी मुझे बताया कि 2-3 एक्टर कॉम्पोल वितरण को एक बड़े से प्रोग्राम करके, अभी जेतु कोरोना महामारी फैला हुआ है, बेहद आकार लिया है कोरोना महामारी ने। आप सब लोग जरूर मास्क पहन के खड़े रहिएगा, जो नहीं पहने वो भी पहन लो। एक बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें ढेर सारा कंबल बांटा जाएगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आज जिसको जिसको कूपन मिला है आप कंबल लेके जाइए, लेकिन आपके काउंसिलर के रूप में बोलिए, बेटे के रूप में बोलिए, मित्र के रूप में बोलिए, भतीजे के रूप में बोलिए, 36 नंबर वार्ड का ऐसा कोई भी वासिंदा नहीं होगा जो ठंड से कांपेगा। अगर आज कंबल नहीं भी मिलता है तो आप मेरे वार्ड ऑफिस में आइएगा, मैं आपको कंबल दूंगा। कितना बोलूंगा, हिंदी भाषा भाषियों के लिए खासकर जो हमारी जननेत्री ममता बनर्जी और युवाओं के हृदय सम्राट अभिषेक बनर्जी जो कर रहे हैं, आप उस चीज को हमेशा याद रखिएगा और उन दोनों के बाजुओं को इतना मजबूत करिएगा कि आने
आने वाले समय में ममता बनर्जी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और अभिषेक बनर्जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा, ठंड का मौसम है, सिर्फ इतना बोलूंगा कि मुझे जितवा के आप लोगों ने अपना नाक बचवा लिया, क्योंकि अगर मैं आ जाता तो आपका नाक कट जाता। हमारे बीच में आए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे जो टिकट मिला और मुझे जो जीत हासिल हुई, ये सच में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का देन है कि उन्होंने मुझे जैसे लड़कों पे विश्वास किया। सिर्फ एक चीज बोलूंगा यहाँ के लड़कों के लिए, गांव समाज में हम लोग जब जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए कभी कभी नदी पार करना पड़ता है, तालाब पार करना पड़ता है, और उस तालाब नदी के ऊपर अगर पुल नहीं रहता है तो बच्चे स्विमिंग करना सीख जाते हैं, तैरना सीख जाते हैं। अगर सुविधा नहीं भी रहे तो उसे आप अपने काम में लाइएगा, अगर वो पुल रहता तो शायद वो स्विमिंग करना नहीं सीखते। इसीलिए नेगेटिविटी कभी दिमाग में मत लाइएगा, हमेशा पॉजिटिविटी लाइएगा और वार्ड के लोगों के लिए काम करते रहिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, किसी भी कार्य में मेरी जरूरत पड़े 24/7 अपने दवाई दुकान में देखा होगा 24 घंटे, कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कभी आप नहीं भी पाए तो मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के तृणमूल के सैनिक हैं, आप किसी के पास चले जाइएगा, आपके कष्ट का निवारण होगा। बस इतना बोल के मैं शक्ति भाई को बोलूंगा अपने हाथों से कंबल वितरण शुरू करें। शक्ति भाई जिसके पास कूपन है, जो भी मेरे राहुल रमन भाई आओ, इस तरफ से आ जाओ, जिसको कूपन नहीं होगा उसको भी कंबल मिलेगा। अभी कूपन वाले लाइन लगा है, अभी कूपन वाले खाली, बस लाइन कोरोना का समय है, आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, हाथ जोड़ के